हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस, योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस, डेढ़ बज चुका है और डेढ़ बजे हम लोग डेली क्या लगाते हैं, हम लोग डेली लगाते हैं बिहार एसआई मेंस के लिए सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम आप लोग नोट कर लो, टाइम आपको याद रखना है 1:30 PM पर डेली आपको आना है, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलेगा, ये सेट चलेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों का ये शिकायत है कि सर करंट अफेयर्स आप इतना ज़्यादा क्यों डाल रहे हो। तो करंट अफेयर्स में 15 इसमें ले रहा हूँ और लेता रहूँगा, चाहे तुमको टेस्ट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। ठीक है, अब आपके एग्जाम में कितना करंट अफेयर्स आएगा उससे मतलब नहीं है मेरे भाई, आपको कितना पढ़ना है उससे मतलब है। एग्जाम में आपको मात्र 5 से 10 क्वेश्चन रहने वाला है, तो क्या आप 5 से 10 क्वेश्चन ही डेली पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा। मैंने 15 क्वेश्चन को शेड्यूल इसलिए किया है ताकि आपका करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाए। ठीक है, जो जरूरी है, अभी आपका जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, पीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 20 से 25 करंट अफेयर्स थे। ठीक है, आपको 2-4-5 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं करंट अफेयर्स जो आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स एक समय का होता है और फिर वो जाके स्टैटिक जीके बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपका इसमें कवर होता जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते जाओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको कि सर ये ज़्यादा आ रहा है वो कम आ रहा है, वो मैं डिसाइड करने के लिए बैठा हूँ ना, तुम बस पढ़ते जाओ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ना है तो फिर बाय बाय, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो 4 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, आपको सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, महात्मा गांधी के धार्मिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। दूसरा स्टेटमेंट है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, गांधी जी ने 1921 में शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर दिया। और चौथा स्टेटमेंट है, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका गांधी जी ने मुंबई से प्रकाशित किया था। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कूट, ठीक है, इसमें आपको तय करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका डी, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वह महात्मा गांधी के धार्मिक गुरु नहीं थे बल्कि राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि जो महात्मा टर्म है, ये टर्म जो ऐड किया गया था महात्मा गांधी जी के नाम में, वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, 1921 में इन्होंने जो अधिकांश वस्त्र है उसका त्याग किया था, उसके बाद वह सिर्फ लंगोट धोती जो है उसी में वो रहते थे, ठंडा हो गर्मी हो या उनको विदेश जाना हो, हर चीज़ हर जगह वह उसी ड्रेस में रहते थे। ये स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट है, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका गांधी जी ने मुंबई से प्रकाशित किया था, ये गलत है। इंडियन ओपिनियन नामक जो पत्रिका था यह साउथ अफ्रीका में इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट आपका गलत है और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने पुणे में कब की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, पुणे में की गई थी, और कब की गई थी ये आपको बताना है। ये क्या गया था 1873 में, कब क्या गया था 1873 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है पहचानिए। तो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। दूसरा है, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। तीसरा है, मिरात उल अखबार एक फारसी साप्ताहिक पत्रिका था जिसे राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। चौथा है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नेहरूजी ने किया था। इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है जल्दी बताओ, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो यहाँ पे आपका डी स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सर्वप्रथम स्वराज टर्म का जो प्रयोग किया गया था वह किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, अब दादा भाई नेहरूजी भी बहुत जगह आपको मिलेगा कि इन्होंने जो स्वराज टर्म है उसका बहुत यूज किया था, और कांग्रेस में पहली बार अगर कोई पूछा जाए आपसे तो वो होंगे दादा भाई नेहरूजी। लेकिन अगर ऐसे होल पूछा जाए सर्वप्रथम स्वराज टर्म को जन्म किसने दिया, तो वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है। भगवान महावीर उद्यान, अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो अक्सर बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, जैसे वो देखते हैं महावीर तो मार देते हैं, या तो यही बिहार होगा या झारखंड होगा, आसपास में ही होगा।
ये गलत है। भगवान महावीर उद्यान कहाँ है? ये गोवा में, ठीक है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? भारत के किस राज्य में जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? किस राज्य में उपलब्ध है? तो यह है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में आपको जिप्सम जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मंगला तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है? तो मंगला तेल कुआं भी राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा कथन सही है। अच्छा, लोकसभा से रिलेटेड आपको चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और फिर आपको नीचे दिया हुआ है उसका कूट, तो आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन 2011 की जनगणना पर आधारित है। दूसरा स्टेटमेंट है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 12 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए 119 सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। और चौथा है, अब तक भारत में 16 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अब बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सा, जल्दी बताओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो ये क्वेश्चन। आपको देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो एग्जाम के लिए ये बहुत फ्रूटफुल है ऐसे क्वेश्चंस। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर है बी, यानी सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? चलो अब आपने आंसर देख लिया, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप स्टेटमेंट क्लियरली पढ़ पाओ, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन 2011 की जनगणना पे नहीं, 2001 के जनगणना के हिसाब से किया गया है। किसके हिसाब से? 2001 के जनगणना के हिसाब से। और ये वैलिड कब तक है? 2026 तक ये वैलिड है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम जो आदमी होंगे वो 12 लाख होंगे, ये सही है। अगला स्टेटमेंट क्या था? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए 119 सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। ये अच्छा सही स्टेटमेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात किया जा रहा है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात किया जा रहा है, और दूसरा आता है रिजर्व सीट्स, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट में बहुत अंतर है और आपको बारीकी से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में जो ST SC हैं उनके लिए सुरक्षित सीट कितना है, आरक्षित सीट कितना है, तो वो हो जाएगा टोटल 131, लेकिन कितने सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो आपका हो जाएगा 119। क्लियर है, इसमें कंफ्यूज मत करना। और सीट जो 131 है इसमें से SC के लिए कितना है? 84 सीट, और ST के लिए कितना है? ST के लिए 47 सीट। टोटल है 131 सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज 119, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि चौथा स्टेटमेंट में अब तक 16 लोकसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन अब तक 16 नहीं, अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, और इस बार का जो चुनाव था वो 17वीं लोकसभा चुनाव थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात तत्काल प्रभाव से किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? जल्दी बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस तो मुझे बनाने में मजा आता है। ये सारे क्वेश्चंस देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कंपाइल किया है ताकि आपको क्लियरिटी मिले, ठीक है। चलो क्या होगा सही आंसर? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। अब क्यों होगा? क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात तत्काल प्रभाव से किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे वह 1947 से लेकर 64 तक प्रधानमंत्री के पद पे बने थे, ठीक है। 64 में फिर वो उनका देहांत हो गया तो प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया, तो एक्टिंग फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कौन बने थे? ये बने थे गुलजारी लाल नंदा। तो 64 में ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे, फिर 64 में ही इनका जो पद है वो खत्म हो गया था, क्योंकि इसके बाद जो प्रधानमंत्री चुने गए थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक रहे थे? 64 से 66 तक रहे थे, ठीक है। तो आपका आंसर ये भी नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि इसके बाद चुनाव करके, अगर इस तरह से क्वेश्चन मैं फ्रेम करता, कभी कर दूंगा आगे के एग्जाम आगे के टेस्ट में, ताकि आपका और क्लैरिटी आपको मिल जाए,
अगर ये पूछा जाता कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात, ठीक है, चुनाव के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका होता लाल बहादुर शास्त्री। तो क्वेश्चन का जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होगा आपका आंसर भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। 66 तक थे, उसके बाद 66 में फिर जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनका भी देहांत हो गया, तो उसके बाद फिर से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, ये बने थे गुलजारी लाल नंदा। तो दो बार ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, एक बार 64 एक बार 66 में, उसके बाद आपके इंदिरा गांधी आई थी सत्ता में, ठीक है। तो ये सब का आपका एक क्लियर हो गया। और इंदिरा गांधी जब हटी थी तब मोरारजी देसाई आए थे 77 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है, कितना है, यह है लगभग 60%, 60.45%। अगर पूरे भारत के हम लोग लैंड का बात करें तो इतना प्रतिशत लैंड कृषि योग्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यहां भी आपको चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब देखो कोई भी अभी आप एग्जाम देने जाओ आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अगर आप बीपीएससी एग्जाम को छोड़ दो तो जो भी रेस्ट एग्जाम है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस का आदत होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ONGC की स्थापना 1956 में हुई। दूसरा है NTPC की स्थापना 1976 में हुई। तीसरा है ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुई। चौथा है भेल की स्थापना 1964 में हुई। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका बी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि NTPC का स्थापना 1976 में नहीं 1975 में हुआ था। अब देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखो बहुत बार क्वेश्चन को फ्रेम जो किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि आपको गलती वहां पे पकड़ना है जो आप जान रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसा ही है, NTPC का एग्जाम में डेट आपसे अकेला बहुत बार पूछा गया है, तो अगर NTPC का डेट आपको क्लियर था तो आप इसको कर सकते थे, अगर रेस्ट नहीं पता था तो भी। तो रेस्ट एक बार यहाँ पे याद कर लो, ONGC का स्थापना 56, NTPC का 75, ऑयल इंडिया लिमिटेड ये है 1959 और वेल का 1964, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व, क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मेसोन के खोजकर्ता कौन है, मेसोन के खोजकर्ता कौन है, मेसोन के खोजकर्ता तो युकावा है मेसोन के खोजकर्ता, कौन है, युकावा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बदबूदार पानी की गंध को निम्न में से किसे मिलाकर हटाया जा सकता है, बदबूदार पानी की गंध को निम्न में से किसे मिलाकर हटाया जा सकता है, तो किसको मिलाकर, तो सक्रिय कार्बन यानी एक्टिव कार्बन को मिलाकर आप बदबूदार पानी को ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, नागरहोल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान निम्न में से कहां स्थित है, भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां स्थित है, यह स्थित है पुणे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया से, प्रक्रिया के कारण होती है, बुलबुले के चमक का कारण क्या है, तो बुलबुले के चमक का कारण है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है, पहले चीन ने युद्ध इस देश के साथ लड़ा था, तो चीन ने अपना पहला युद्ध किसके साथ लड़ा था, ये आपको बताना है। तो पहला चीन युद्ध जो हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन के साथ, आपका सही आंसर हो जाएगा चीन और ब्रिटेन, ठीक है, ये दोनों सबसे पहले लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार से आप सभी वाकिफ हो, अब बताओ कि इनमें से कौन कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, टोटल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या भौतिकी क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में दिया जाता है, दिया जाता है, फिजियोलॉजी या मेडिकल क्षेत्र में दिया जाता है, दिया जाता है, साहित्य शांति व अर्थशास्त्र में दिया जाता है, तो दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है और ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे, भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे, कौन थे, ये थे जनरल KM करियप्पा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोरल रीफ्स कहाँ पाया जाता है, भारत में कोरल रीफ्स कहाँ पाया जा सकता है,
तो किस तट पे, देखो क्वेश्चन को ऑप्शन के बाद ही आप तय कर सकते हो आप क्वेश्चन आपका आसान है या गलत है, जल्दी बताओ। तो आपको कोरल रीफ्स कहाँ मिल सकता है, ये मिल सकता है रामेश्वरम में, ठीक है। ऑप्शंस को देखोगे तो रामेश्वरम में आपको कोरल रीफ्स मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, डैश में एक कम प्रतिरोध को जोड़कर एक गैल्विनोमीटर को एक आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। अगर आपको एक गैल्विनोमीटर को एक आमीटर में परिवर्तित करना है तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ दोगे, थोड़ा सा कम पावर का रेजिस्टेंस आप जोड़ दोगे, लेकिन आपको ये बताना है कैसे जोड़ोगे आप, जल्दी बताओ कैसे जोड़ोगे। तो आप जोड़ोगे समांतर में। अगर आप पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हो, ठीक है, एक रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में जोड़ देते हो गैल्वेनोमीटर में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आमीटर। और अगर आप सीरीज में जोड़ देते हो, ठीक है, सीरीज में अगर आप रेजिस्टेंस जोड़ देते हो एक गैल्विनोमीटर में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। तो दोनों आपको याद कर लेना है आज। अगर आप एक गैल्विनोमीटर में पैरेलल में यानी समांतर में एक रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आमीटर, और अगर सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1643 में, बहादुर शाह का जन्म हुआ था 1643 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है, जल्दी बताओ। सबसे अधिक इन चारों क्षेत्रों में अगर देखोगे तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति आपको कहाँ मिलेगा, तो अनुसूचित जाति या सबसे अधिक आपको भारत के गंगे मैदान में यानी इंडो गंगेटिक प्लेन में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत कोयला है, श्वेत कोयला किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, तो जल विद्युत को यानी हाइड्रो पावर को क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है श्वेत कोयला। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद को कहते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ जापान की संसद को क्या कहते हैं। ये करंट अफेयर्स में भी आप पढ़ रहे हो अभी, ये सारा चीज आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब एग्जाम में अगर ये सब छूट जाता है तो फिर लानत है आपके पढ़ाई पर, करंट अफेयर्स में सब चीज क्लियर किया गया है आपको। तो जापान की संसद को कहा जाता है डायड, और जापान का तो बहुत पुराना है, हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे, कब हुए थे, तो ये हुए थे 1977 में, कब हुआ था 1977 में लोकसभा के लिए पहला मध्यावधि चुनाव हुआ था, यानी बीच में ही चुनाव हुआ था, ठीक है। और इसी 1977 में ही आपके मोरारजी देसाई जो पीएम थे वो बन के आए थे, जो पहला आप बोल सकते हो गैर कांग्रेसी पीएम भी थे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये थी श्री मावे भंडार नायके, जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, और ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र यानी रंगीन मूवी कौन सा है, कलर मूवी कौन सा है भारत का, कौन सा है, यह है किसान कन्या, ठीक है। किसान कन्या ये कब मूवी बना था, 1937 का ये मूवी है, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन थे, तो इसके डायरेक्टर थे मोती बी गडवानी, ठीक है, आप याद रख लो मोती बी गडवानी ये थे डायरेक्टर। और प्रोड्यूसर कौन थे, प्रोड्यूसर थे आर्देशर ईरानी, कौन थे, आर्देशर ईरानी। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है, ईयर भी आपको याद रखना है कब, 1937 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम किसके समय में हुई थी, किसके समय में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और पहला विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए आपसे तो कौन सा है यहाँ का पहला विश्वविद्यालय, तो आपका पहला विश्वविद्यालय है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है, सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है इंडोनेशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है, तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है ये आपको बताना है, जल्दी बताओ कौन सा है, तो ये आपका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज,
रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। इसकी स्थापना जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना देखो, पहले इसको किसी और नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसकी स्थापना डलहौजी के द्वारा 1853 में किया गया था, और पहले इसको जाना जाता था थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। किस नाम से जाना जाता था? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये इसका पहले नाम था, जो 1853 में डलहौजी के द्वारा गठित किया गया था, और इसके बाद इसी का नाम चेंज करके रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी, ध्यान से पढ़ना है, प्रबंधन अकेडमी का बात किया जा रहा है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद बिहार के पास लगभग कितना खनिज संसाधन बचा? आप जानते हो, जब बिहार और झारखंड मिला हुआ था तो बिहार बहुत ही प्रॉस्पेरस राज्य हुआ करता था, मिनरल्स में अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, क्योंकि बिहार के पास भी बहुत सारे मिनरल्स थे। लेकिन झारखंड जैसे ही अलग हुआ तो बिहार का जो मैक्सिमम मिनरल्स है वह झारखंड के पास चला गया, और इसके पास मात्र 3% मिनरल्स बच गया लगभग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है? बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है? यह ऑलमोस्ट 8463, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस भी मिल सकता है, कहीं आपको 70-71 मिल सकता है, 8470-71 मिल सकता है, कहीं आपको इससे कम भी मिल सकता है, तो आपको ये याद रखना है 8463 अभी है, तो एग्जाम में आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें हो सकता है, लेकिन इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर बिहार का हम लोग बात करें तो बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितना है? टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, और प्रमंडल कितना है? तो टोटल प्रमंडल है 9, ठीक है, और अनुमंडल कितना है? अनुमंडल है 101, ठीक है, और यहाँ पे पंचायत कितना है? तो 8463 आपने देख लिया, ठीक है। प्रखंड अगर आपसे पूछा जाए तो प्रखंड कितना है? यह है 534, ठीक है, और यहाँ का पॉपुलेशन अगर पूछा जाए, इसको मोबाइल नंबर कितना आप याद रख सकते हो, 104099, ठीक है, और क्या होता है 452, ठीक है, 452 कितना होता है? 104000994 52, या 104, ये तो आप मस्ट है, इतना याद रखना ही रखना, ठीक है, ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। और पॉपुलेशन के हिसाब से भारत बिहार का पोजीशन कितना है? ये है 3rd, ठीक है। यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 1106 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम गवर्नर जयराम दौलतराम थे, ये मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? जयराम दौलतराम, और कब तक ये अपने पद पे बने रहे, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी बताओ कब तक बने रहे थे? तो ये बने रहे थे 1948 तक, ठीक है, आजाद होने के बाद 47 में ये बने, और 48 तक ये बने रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक 2020 कहाँ आयोजित की गई? यानी 2020 में भारत और बांग्लादेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रियों का बैठक हुआ, आपको ये बताना है ये कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जनवरी 2020 में शास्त्रीय तेलुगु यानी CESCT में नए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? जल्दी बताओ कहाँ पे इन्होंने ये किया, कहाँ किया? तो ये किया गया था नेल्लौर में, कहाँ किया गया था? नेल्लौर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किसने ताइक्वांडो में 1 घंटे नॉनस्टॉप सबसे अधिक फुल कॉन्टैक्ट नी स्ट्राइक्स का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अभी जनवरी 2020 में ये रिकॉर्ड बनाया गया, 5 साल का बच्चा है, ये है आसमान तनेजा, ठीक है, आसमान तनेजा, इन्होंने 1 घंटे तक का सबसे अधिक फुल स्टॉप कॉन्टैक्ट नी स्ट्राइक्स का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 8 वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो SCO के 8 वंडर्स इसमें से किसको शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है? ये किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, किसको किया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइस हॉकी का द लास्ट गेम कहे जाने वाले एक अनोखे खेल कार्यक्रम की मेजबानी आइस हॉकी फाउंडेशन और लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ने निम्नलिखित में किसके सहयोग से किया? तो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था हॉकी फाउंडेशन
और लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा, ठीक है, किसके सहयोग से, UNFCCC और रेड स्टेट के मदद से, तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, सही आंसर है डी, ठीक है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCCC कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रेड स्टेट, इस दोनों के सहायता से किया गया था लद्दाख हॉकी फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एडवांसेस इन एटमॉस्फेरिक साइंसेस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार दर्ज मानव इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में किस वर्ष में दुनिया के महासागर सबसे अधिक गर्म थे, तो वो कौन सा ईयर था जिसमें महासागर सबसे अधिक गर्म हुआ, तो वो था 2019, ठीक है, यानी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2019 हमारे लिए कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं रहा है, ठीक है, एक तो ये रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद 2019 खत्म होते होते देखो आपका ये कोरोना वायरस का अटैक आ गया, भले ही हम लोग 2020 को दोष दे रहे हैं पर इसकी शुरुआत जो है वह 2019 के अंत में हो चुका था, यानी 19 में जो कारनामा हम लोगों ने किया है उसी का फल 2020 में हम लोग भुगत रहे हैं, ठीक है, और ये कब तक चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। देखो अब ये जो COVID-19 का बात उठा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 3 तारीख को लॉकडाउन टूटने के बाद भी आप लोग घर में रहना, ठीक है, आप लोग को घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि 3 मई के बाद ही जो ओरिजिनल आपको स्प्रेड देखने को मिलेगा वो 3 मई के बाद मिलेगा, क्योंकि 3 मई को ख़त्म होने वाला ये नहीं है, और अगर आप लोग संभल के नहीं रहोगे तो आप लोग इसके चपेटे में आ सकते हो, क्योंकि अभी जो इसका सिम्टम्स है वो सिम्टम्स है ही नहीं, कुछ भी आदमी में पता नहीं चल रहा है, लगभग 80% पेशेंट अभी जैसे आ रहे हैं सामने इनमें कोई सिम्टम्स पता नहीं चल रहा है, और अभी तो कुछ और भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जैसे पेट खराब होना और फिर क्या क्या और भी दिया जा रहा था आपको, सर चकराना और जो भी ये नॉर्मल जो सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो नॉर्मल कुछ भी आपको होता है, फूड पॉइजनिंग या कुछ भी ऐसा होता है, तो इस तरह के केसेस भी अगर आपके साथ कहीं पे भी होता है किसी के साथ तो उनको चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है COVID-19 का अटैक उन पे भी हुआ हो, तो ये एक बहुत महामारी तो था ही और है ही, लेकिन उसमें भी एक बड़ा रूप ये धारण करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मेगा प्रोजेक्ट के लिए पहला गर्डर कहाँ लॉन्च किया है, जल्दी बताओ, ये किया गया है उद्धव ठाकरे के द्वारा और कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है सेवरी में, कहाँ किया गया है सेवरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने आधे किलोमीटर के व्यास के साथ दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है, तो लगभग इसका आधा किलोमीटर का व्यास है और यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, तो इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था चीन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लिपकार्ट ने 9 लाख वर्ग फुट में फैले अपने 2 सबसे बड़े पूर्ति केंद्र कहाँ खोले हैं, कहाँ खोले हैं, तो ये खोला गया है हरियाणा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN की रेड लिस्टिंग की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, कौन सा राज्य प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की रेड लिस्टिंग की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है, कौन सा राज्य है वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में भारत का नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-30 किस देश से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, GSAT-30 को कहां से लॉन्च किया गया था, तो फ्रेंच गुयाना से ये लॉन्च किया गया था, कहां से, फ्रेंच गुयाना से, ठीक है। और इसको लॉन्च कब किया गया था, 16 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया था, और ये सबसे नवीनतम जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो है, किसके द्वारा ये बनाया गया है GSAT-30, ये इसरो के द्वारा बनाया गया है, और जब इसका लॉन्च हुआ तो उस वक्त इसका मास कितना था, यानी वजन इसका कितना था, तो लगभग 3357 केजी इसका वजन था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। एक और चीज़ याद रखना है कि मिशन का जो ड्यूरेशन है इसका वो कितना है, लगभग 15 साल का इसका मिशन का ड्यूरेशन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने छात्रों और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए
प्रबंधन पाठ्यक्रमों पर लघु वीडियो मॉड्यूल का निर्माण करने के लिए टिकटॉक के साथ हाथ मिलाया है। तो किसने ये समझौता किया है? ये समझौता किया गया IIM इंदौर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने हरी झंडी दिखाई। रेलवे ने देश भर में ऐसी कितनी प्रीमियम ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव दिया है? जल्दी बताओ कितना टोटल ट्रेन इस तरह का चलाया जाना है पूरे देश में। तो टोटल लगभग 150 ट्रेन चलाए जाने की, इस तरह की ट्रेन चलाए जाने की प्रस्ताव रखी गई है रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रूस द्वारा भारत को सभी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियां किस वर्ष तक वितरित की जाएगी, यानी दिया जाएगा? तो रूस भारत को कब तक S-400 वायु रक्षा मिसाइल दे देगा, सारा जितना भी ऑर्डर दिया गया है, तो कब तक? तो 2025 तक ये डिलीवर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म याद रखना है, PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस तो एक जरूर रहेंगे। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आज का सेट भी आपने एंजॉय किया होगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।